बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस टू इम्पॉर्टेंट थ्योरम एंड द फर्स्ट थ्योरम वी वांट टू प्रूव दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज. एंड द सेकेंड थिंग इन दिस थ्योरम इज we want to prove that argument of product of two complex number always equal to sum of their respective arguments. We want to prove in this theorem, we want to prove this. So for means we want to prove here absolute value of the product two complex number always equal to this one. एक तो हम ये चीज़ प्रूव करना चाहते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर का अगर प्रोडक्ट है तो उसकी जो एब्जोल्यूट वैल्यू हमेशा उसके रिस्पेक्टिव कम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल हो गए. दूसरा अगर आर्गूमेंट लेते हैं उसी प्रोडक्ट का, इफ़ यू टेक द आर्गूमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर देन डेट इज ऑलवेज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ जी वन प्लस आर्गूमेंट ऑफ जी टू. ये आपने पहले थ्योरम में प्रूव करना है. इसको प्रूव करने के लिए हम ये लेट सपोजिशन ले लेते हैं, लेट जी वन इज इक्वल टू आर वन कोस थीटा वन प्लस योटा साइन थीटा वन, जी टू इज इक्वल टू आर टू कोस थीटा टू प्लस योटा साइन थीटा टू. वेन यू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स देन यू गेट दिस फॉर्म. एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट, वेन यू मल्टीप्लाई दीज थिंग, फॉर एग्जाम्पल जी वन जी टू इज इक्वल टू आर वन आर टू कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा वन कोस थीटा टू, मल्टीप्लाई करके ये सारा आ जाता है. योटा स्क्वायर को जब आप देखेंगे वो माइनस वन होता है, उसके बाद आप सेपरेट करेंगे रियल इमेजिनरी पार्ट्स को तो ये चीज़ आ जाएगी. नाउ सी डैट जी वन जी टू इज इक्वल टू आर वन आर टू एंड वेन यू रिमेंबर द फार्मूलाज कोस अल्फा प्लस बीटा कोस बीटा अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा एंड साइन अल्फा माइनस बीटा, यूज दोज फार्मूलाज वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस योटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू. वेन टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑन बोथ साइड्स, यू नो दैट आर वन इज जी वन मॉडुलस एंड आर टू इज जी टू मॉडुलस. एक्चुअली दिस आर वन इज जी वन मॉडुलस एंड आर टू इज जी टू मॉडुलस. तो ये तो पहले ही एब्सोल्यूट है, तो इसको दोबारा भी ले लेंगे तो वो वही रहेगा. इधर जी वन जी टू एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया. अब यहाँ देखें, जब इसका ही एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, कोस स्क्वायर दिस वन प्लस साइन स्क्वायर दिस वन होल अंडर रूट, तो कोस स्क्वायर समथिंग प्लस साइन स्क्वायर समथिंग ऑलवेज वन, सो यू गेट दिस वन. जब आपके पास ये एक पहला इस थ्योरम का आपके पास पहला पार्ट आ गया, दूसरा पार्ट ये है कि इसका आर्गूमेंट क्या होगा. तो जब कभी आप z का आर्गूमेंट लेते हैं तो आपको मालूम है कि जब ये देखें z का आर्गूमेंट आप जब लेते हैं, ये अगर z आपके पास ये नंबर है z इज इक्वल टू z मॉडुलस कोस ऑफ थीटा प्लस योटा साइन थीटा, तो इसका आर्गूमेंट क्या होगा, ये थीटा. तो इसी तरह उस प्रोडक्ट में आप अगर उस प्रोडक्ट में चले जाते हैं जी वन जी टू जो कि आपके पास ये आ चुका है, तो इसमें आप z1 z2 का आर्गूमेंट क्या लेंगे, जाहिर है उसके एंगल को देखेंगे और वो ले लेंगे थीटा वन प्लस थीटा टू. तो थीटा वन क्या है, तो आर्गूमेंट ऑफ z1 है, थीटा टू क्या है, वो तो आर्गूमेंट ऑफ z2 है. तो इस तरह से आपने ये भी प्रूव कर दिया, मींस आर्गूमेंट ऑफ दिस वन दिस प्रोडक्ट आर्गूमेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज थीटा वन प्लस थीटा टू एंड थीटा वन इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ जी वन एंड थीटा टू इज आर्गूमेंट ऑफ जी टू. नाउ इन द नेक्स्ट थ्योरम वी वांट टू प्रूव दैट व्हेनेवर यू टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द quotient of two numbers then that is must be equal to quotient of their respective values and when you want to take the argument of the quotient of complex numbers then that is equal to the difference of their respective values. For example, you want to prove in the second theorem, you want to prove these two things, when you have the complex number in quotient form and you want to take the absolute value of this one, that is it must be equal to quotient of their respective values, and when you take the argument of quotient of complex number then that is must be equal to difference of their respective value. प्लस प्रोडक्ट में प्लस आता है और क्वेश्चन में माइनस आता है. ये जो सेकेंड थ्योरम है ये आपने खुद प्रूव करना है. ये देखें, ये जो सेकेंड थ्योरम है ये सारा मैंने प्रूव किया हुआ है, आप इसे खुद करेंगे, उन्हीं लाइंस पे है. लेकिन एक इसे प्रूव करने से पहले एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जब भी हम क्वेश्चन फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसको रैशनलाइज ज़रूर करते हैं. ये मैंने आपको शुरू के वीडियो लेक्चर में भी बताया था. अब ये देखें, कुछ क्वेश्चन हैं, जी वन जी टू गिवन है, देन क्वेश्चन इज राइट जी वन ओवर जी टू इन पोलर फॉर्म. मतलब आपने इन दोनों के क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में लिखना है. अभी क्वेश्चन का फार्मूला किया है उस तरीके से कर लें, जी वन में उसमें अगर थीटा वन है तो उसका मतलब प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जी वन अलहदा अलहदा निकाल के उसमें पुट कर दें. दूसरा तरीका ये है कि पहले आप उसको रैशनलाइज करके एक सिंपल नंबर बना लें फिर कर लें. ये इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिस तरह से चाहें इसको करें, ये पोलर फॉर्म में करने हैं.
अब इसमें ये देखें, ये क्वेश्चन स्केयर है या डिफरेंट है, आप इसको रैशनलाइज करके पहले सिंपल बनाएं, स्केयर लगाएं, ये एक सिंपल नंबर आ जाएगा, और जब इस सिंपल नंबर को आप करेंगे पोलर फॉर्म में तो वो बहुत ईजी होगा। इसके बाद है डिटरमन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे कि डायरेक्ट कैसे आपने प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, उसी को यूज करते हुए अपना फोकस एक्स और वाई पे रखते हुए आपने इन सब के प्रिंसिपल एंगल्स निकाल लेने हैं। अब ये देखें, ये कुछ पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, वो कहते हैं इसको इस फॉर्म में करें x प्लस योटा में, तो डेट्स वेरी सिंपल, कोस पाई बाय टू की वैल्यू लगा दो, साइन पाई बाय टू की वैल्यू लगा दो, और इससे आपको वो नंबर x प्लस योटा वाई की फॉर्म में मिल जाएगा। इसके बाद डेट्स नाउ अदर थ्योरम इज डी मॉर्गन्स थ्योरम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ यू हैव द पावर ऑफ सम नंबर एज पोलर फॉर्म में कोई नंबर है और उसके ऊपर पावर एन है, हाउ यू कैन ऑलवेज राइट डैट एन इन द मल्टीपल ऑफ थीटा, मीन्स एस कोस एन थीटा प्लस योटा साइन थीटा, वेयर एन इज एन इंटीजर, मीन्स एन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसका केस वन लेते हैं, वेन एन इज पॉजिटिव इंटीजर वी प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आप MFSC में कर चुके हैं। उसके तीन स्टेप्स होते हैं, स्टेप वन में आप पुट करेंगे एन को वन, और ऊपर वाली स्टेटमेंट में एन को वन पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखेंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड में मैंने पुट किया तो मेरे पास आंसर आ गया cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा, जब राइट हैंड साइड में पुट किया तो आंसर फिर वही आ गया, मीन्स सो बोथ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो कंडीशन वन इज सेटिस्फाइड। नाउ स्टेप टू, और आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से पता है कि स्टेप टू में हमेशा स्टेटमेंट को सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, तो आप एन की जगह जस्ट उसमें के लिख कर नंबर वन कर दें, ये हमारी सपोजिशन है। अब स्टेट जो स्टेप थ्री है, स्टेप थ्री में आपने करना है वी वॉन्ट टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। अब आपने इसको लेते हुए, सपोजिशन को लेते हुए आपने प्रूव कर देना है कि ये एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी सही है। उसके लिए इधर भी के प्लस वन बनाएंगे और इधर भी के की जगह के प्लस वन करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसा बने। तो इसको बनाना बहुत आसान है, आप कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई अगर कर दें बोथ साइड्स पे, तो इधर तो कोस थीटा प्लस योटा साइन से जब ये देखें मल्टीप्लाई किया तो बेस सेम है, तो पावर्स पे ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा के प्लस वन, इधर आ जाएगा। उधर जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद ये फार्मूला आ गया, यहाँ पे कोज अल्फा फार्मूला जो है कोज अल्फा प्लस बीटा वाले वो अप्लाई किए तो ये आ गए, यहाँ से थीटा कॉमन लिया तो के प्लस वन आ गया, मींस अब जहाँ जहाँ एन था वहाँ वहाँ के प्लस वन आ चुका है, सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। आपने इसको पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूव कर लिया, अब हम इसे करते हैं नेगेटिव के लिए और जीरो के लिए। जी नेगेटिव के लिए आप देखें, केस टू व्हेन एन इज अ नेगेटिव इंटीजर देन पुट एन इज इक्वल टू माइनस पी, रिमेंबर पी इज पॉजिटिव। अगर पी को भी नेगेटिव ले लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो एन तो फिर प्लस हो जाएगा, आपने पी पॉजिटिव लेके एन को माइनस पी करना है, एंड दिस इज अ नेगेटिव नंबर एंड नाउ पुट इन कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा और रेस्ट टू पावर एन की जगह माइनस पी लगाओ, इसे पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लाओ, एंड रिमेंबर इट व्हेन एवर कम्प्लेक्स। और देखो पहले ये देखो, पी अगर पॉजिटिव है तो इसके एंगल में चला जाएगा ना, इसके एंगल में पॉजिटिव इंटीजर के लिए, तो अभी हमने प्रूव किया है केस वन में चला गया। एंड व्हेन एवर कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वेश्चन फॉर्म देन ऑलवेज रैशनलाइज, आफ्टर रैशनलाइजेशन यू गेट दिस एक्सप्रेशन, एंड आफ्टर एंड दिस एक्सप्रेशन कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज वन एंड वन, सो अपर टर्म इज गिवन एज, नाउ यू नो दैट कोस माइनस थीटा ऑलवेज इक्वल टू कोस थीटा, सो यू कैन रिप्लेस कोस माइनस पी थीटा माइनस पी एंड थीटा, क्योंकि बिकॉज कोस माइनस पी इज इक्वल टू कोस पी, मतलब कोस के अंदर माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हैं, ये माइनस अंदर ले गए तो देखो माइनस पी की जगह मैंने लगा दिया एन, बिकॉज एन इज ओवर सपोज एन इज माइनस वन, एन को हमने माइनस वन माइनस पी लिया हुआ है, एन को हमने माइनस पी लिया हुआ है, तो ये देखें प्रूव हो गया नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ फॉर एन जीरो, अब गिवन स्टेटमेंट में एन की जगह जीरो पुट करो, दोनों साइड्स पे जीरो पुट कर दो, तो देखो ये वन वन आ गया, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू जीरो, हेंस द थ्योरम डी मॉर्गन्स थ्योरम इज ट्रू, वी हैव प्रूव्ड डी मॉर्गन्स थ्योरम फॉर ऑल इंटीजर्स। नाउ वी डिस्कस द एग्जांपल्स रिलेटेड टू डी मॉर्गन्स थ्योरम, प्रूव दैट कोस सिक्स थीटा इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अब कोस सिक्स थीटा है ना, कोस सिक्स थीटा है ना, तो आप ऐसा करें कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा और रेस्ट टू पावर सिक्स ले लें,
क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके पास कोस 6 थीटा प्लस थीटा साइन 6 थीटा आ जाएगा। इसे ऐसे करके लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, ये आ जाएगा। अब अगर पावर 2 होती तो आप इजीली खोल लेते, पावर 3 होती आप इजीली खोल लेते, यहां तो पावर 6 आ गई। अब मैं इस पावर 6 को कैसे खोलूं, इसको भी रखने का एक हमने बड़ा अच्छा फॉर्मूला और ट्रिक रखा हुआ है, हम उसको यूज करते हैं। फिर मैं आपको दोबारा इधर लेके आती हूँ। ये देखो स्क्वायर के लिए होता है 1 2 1, मतलब पहली टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस 2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फिर प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर, ऐसे होता है। जब 3 आता है, पावर 3 हो तो फिर आपने कैसे 1 और ये 1 2 3 हो गया, 2 1 3 हो गया और ये 1 आ गया, फिर 1 और ये 1 और 3 4 हो गया, ये 3 और 3 6 हो गया और ये 3 और 1 4 और यहाँ 1 आ गया। फिर इसी तरह 5 और 6 के लिए आप कर लेंगे। करना क्या है, शुरू में 1 लगा देना है और फिर प्रीवियस पे चले जाना है। 1 और 4 क्या हो जाएगा 5, फिर 4 और 6 क्या हो जाएगा 10, फिर 6 और 4 क्या हो जाएगा 10, फिर 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, एंड पे फिर 1। अब हमारे पास 6 है, हम ये यूज करेंगे जिसमें 1 6 15 20 15 और 6 और 1 आता है। याद रखिएगा, मुझे अब जहन में आ गए हैं कि 1 6 15 20 15 और 6 आ रहा है। अब इसमें देखें, मैंने इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई किया, पहले मैंने लिख दिया 1 और पहली रकम का पावर 6 ले ली, फिर प्लस 6 लिखा क्योंकि अगली टर्म 6 थी उस फॉर्मूले में, उस टेबल में, तो फिर मैंने पहली रकम के ऊपर 5 लिख दिया, दूसरी मैंने इस तरह लिख दी, प्लस 15 फर्स्ट टर्म के ऊपर 4 और सेकंड टर्म के ऊपर 2। इस तरह रिड्यूस करते जाएंगे ना, सेकंड टर्म की इंक्रीज करते जाएंगे, फर्स्ट की पावर रिड्यूस करते जाएंगे, और ये सारा यहाँ पर लगाने के बाद आपके पास फाइनल क्या आ जाएगा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट दिस एक्सप्रेशन। और इसमें कुछ टर्म्स जो हैं, आप जब इसको सारे को देखेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये आपके पास टर्म आ जाती है। अब आपने क्या करना है, इक्वेटिंग रियल पार्ट ऑन बोथ साइड्स, आपने जब इसका रियल पार्ट इक्वेट करना है तो आपके पास ऑटोमेटिकली कोस 6 थीटा ये आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद ये कुछ एक्सरसाइज हैं, इसे ऑनलाइन भी डिस्कस कर लेंगे, ये तीनों आपको देख के पता चल जाएगी कि आपने किस तरह से करना है। ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ।